एक क्वेश्चन है ना कि मुझे याद नहीं होता, इसका मेरे पास एक ही आंसर होता है कि अगर याद होने की कोई दवाई होती ना तो सबसे पहले मैं ही खाता उसको और फिर मेरे दोस्तों को बांट देता, है ना। बार बार रिवाइज करो, लिख के याद करो, पर याद होने का कोई फॉर्मूला नहीं है। भूगोल वैकल्पिक विषय से उत्तम अंक आ सकते हैं? नहीं, भूगोल अच्छा है सब्जेक्ट, पर अभी 2-3 साल से थोड़ा सा कम ट्रेंड में चल रहा है, नंबर उतने अच्छे आ नहीं रहे, तो थोड़ा सा और इस पे विचार कर लो। और अगर आपका भूगोल बहुत अच्छा है, आप सोचते हो कि ला सकते हैं, तो फिर 300 भी आए हैं शायद, एक लड़के के आए हैं 300 से समथिंग ऊपर, हिंदी मीडियम का ही है, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ही भूगोल लो। इवन मेरा एक दोस्त आया था, वो कहता कि मैंने भूगोल इसलिए लिया क्योंकि मेरी 11th 12th की NCERT कंप्लीट है, उसके पास ग्रेजुएशन में भी नहीं था भूगोल, उसने भूगोल इसलिए ले लिया, 11th 12th की NCERT उसने पढ़ी हुई थी, तो वो काम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है तो ही भूगोल लेना, नहीं तो कम प्रेफरेंस दूंगा मैं इसको। एक सवाल है कि आंसर राइटिंग में हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग ठीक है या नहीं है? बहुत ज़्यादा कठिन मत करना, और थोड़ा सा इजी वर्ड यूज़ कर लेना। कई बार होता है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली, श्लाघ्य यूज़ कर लिया, जैसे श्लाघ्य प्रयोग किया गया, श्लाघ्य थोड़ा सा मतलब हिंदी लिटरेचर में तो फिर भी चलो टॉलरेबल है, वहां पे भी कई लोगों को समझ नहीं आएगा ये, पर GS में तो बचना ही सही है। श्लाघ्य इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा बच के। इंटरव्यू के स्ट्रेटजी पर बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, इसमें से कुछ लोग वो भी हैं जो 2020 में पहला अटेम्प्ट लेने वाले हैं लेकिन उनको इंटरव्यू के बारे में अभी जानना है, तो बहुत अधीर मत होइए, बहुत समय है तैयारी, लेकिन इंटरव्यू पर बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा अगर बता पाए आप इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें होती है, एक तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, और पर्सनालिटी के तो अगर आपकी अच्छा ड्रेसिंग सेंस वगैरह है, आपने अच्छे से सूट वूट पहन के गए तो 5-10% इसका फर्क पड़ता है। भाषा अच्छी होनी चाहिए, और जो मुद्दे पूछ रहे हैं आपसे उन पे आपका बैलेंस दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने 2-3 न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़े थे, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग, एक थोड़ा जो मध्यम मार्गी है, तो उससे क्या है कि मुद्दों पे आप अच्छा सा एनालिसिस कर पाते हैं उन पे। आप एक तरफा बयान नहीं देते वहाँ पे, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप में अच्छा है, वैसे तो ये सब चीज़ें आती नहीं है 1-1.5 महीने में, अगर आपका अच्छा है तो वहाँ पे उसका ज़रूर यूज़ कीजिए, थोड़ा सा अश्लील ना हो बस, वो थोड़ा सा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो यूज़ कीजिए, उसको उनको हंसाइए, और जितना पूछे उतना ही जवाब देना है, खुद का ज्ञान वहाँ पर नहीं झाड़ना है, और अच्छे से उनको विश कीजिए, वहाँ पर जाके आराम से सहज होकर बैठिए। बहुत ही सहज इंटरव्यू होता है, अगर मैं बात करूँ तो अंदर घुसते ही वो सीधा बुलाएंगे, अरे रवि कुमार जी आप आइए बैठिए, क्या हाल है आपके, ऐसे बोलेंगे वो, मैं ये हूँ तो अभी हम आपकी 30 मिनट तक आपसे आपकी राय जानेंगे कई मुद्दों पे, तो क्या आप कंफर्ट हैं? हाँ सर मैं कंफर्ट हूँ। आराम से टेबल जो चेयर है उस पर कमर टिका के आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी पी लीजिए, ये कॉपी पड़ी है इस पर कुछ आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, ऐसे बात करते हैं वो, तो डरने की बात नहीं है। इंटरव्यू में मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस, एक कोई दोस्त हैं तो जो आपके साथ देंगे तो उनके साथ में आपका डेफ डिस्कशन वगैरह ये सब चीज़ें तो चलती है वहाँ पर, तो इंटरव्यू में बहुत टाइम होता है, आराम से कर लोगे। अभी तो यही है कि बहुत इतना हार्ड नहीं है जितना हवा बनाते हैं, अगर सहज व्यक्ति है, सहज बातें करता है, अच्छे मजाक करता है, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे उसके, मतलब नहीं रुकेगा उसकी, उसके अगर विचार बिल्कुल न्यूट्रल है, बैलेंस्ड व्यू है उसका।